हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ऑर्डर किया है बोया का जो वायरलेस माइक्रोफोन आता है वो, और ये अमेज़न से ऑर्डर किया है मैंने और ये आ चुका है पार्सल हमारा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं किस तरीके का है हमारा जो बोया का वायरलेस माइक है वो। अंदर भी काफ़ी अच्छे से सील किया हुआ है। तो ये मेन डब्बा है हमारा, ये देख सकते हैं आप, इसको भी खोल लेते हैं। तो ये फाइनल बॉक्स हमारा हाथ में आ चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं बोया WM8 और UHF ड्यूल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इसमें खास बात यह है कि जैसे पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ बोया का, उसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर था, मगर यहाँ पे आप देखिए मैंने ये जो ऑर्डर किया है उसमें दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है। सो इसको खोल के देखते हैं। उससे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या है ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पर इंक्लूडेड एक्सेसरीज दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से एक्सेसरीज के अंदर हैं। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। और ये ऑलमोस्ट सेम बॉक्स है जो सिंगल ट्रांसमीटर और उसके साथ आता है। तो ये हमारा बॉक्स हमारे पास है, इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या निकलता है। और ये मैनुअल गाइड है यूज़ करने के लिए, इसमें बताया गया है सारा, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरीके से यूज़ करना है और कौन से चैनल मैच करने हैं, किस तरीके से यूज़ करना है इसको। खैर इसको भी साइड रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर से प्रोडक्ट, ये देख सकते हैं आप। तो ये बता दूं आपको, दो ट्रांसमीटर्स हैं, एक ये है और एक ये ट्रांसमीटर है। और ये हमारा रिसीवर, जो सिंगल ट्रांसमीटर रिसीवर आता है उससे ये काफ़ी बड़ा रिसीवर है, जो मैंने सिंगल यूज़ किया उससे तो बड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है इसका। बोया में ये है कि ये जो मटेरियल यूज़ किया वो काफ़ी हल्का है मगर ड्यूरेबल है। तो इसको भी अभी ऑन तो नहीं करके देख सकते क्योंकि उन्होंने साथ में बैटरीज नहीं दी हैं, तो बैटरीज आपको अलग से लेनी पड़ेंगी। और इसमें टोटल 6 बैटरी लगेंगी क्योंकि हर एक पीस में 2 बैटरीज लगेंगी। यहाँ पे इसका स्लॉट है बैटरी का, अगर आप देखें तो ये 2-2 बैटरीज तीनों में लगेंगी, दैट मीन्स कि हमें 6 बैटरी चाहिए होंगी इसके लिए। ये यहाँ पे और यहाँ पे, हाँ कर रहा हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे 2 माइक दिए गए हैं जो कॉलर माइक लगते हैं, लेवलियर माइक्स, ये 2 हैं क्योंकि 2 ट्रांसमीटर हैं तो 2 लेवलियर माइक, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, लगता है ये हमारा 2 पीस हो गए। तो एक ये ट्रांसमीटर हो गया, ये एक लेवलियर माइक और ये दूसरा लेवलर माइक, ये कनेक्शन अपने माइक ये रिसीवर से अपने कैमरे में डालने के लिए। तो ये एक हो गया, एक ये इसको कहते हैं फायर वायर, आई थिंक नहीं फायर वायर नहीं है, ये
ये बड़े वाले जो माइक्स होते हैं, जो बूम माइक्स होते हैं, उनको लगाने के काम आता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, बट ये बूम माइक लगाने के काम आता है। तो ये अपने कैमरे में लगता है और इसमें बूम माइक लगता है। और यहाँ पे दिए गए हैं एक तो शू माउंट है जो कि माउंटिंग के काम आएगा, जो अपना रिसीवर के माउंट के काम है कैमरे में जब हम लगाएंगे इसको। और दूसरा इसमें दो दिए गए स्पंज जो नॉइस रिडक्शन के लिए काम आएगा अपने कॉलर माइक्स में। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दो कॉलर क्लिप्स है माइक को क्लिप करने के लिए, और ये दो स्पंज हैं जो नॉइस रिडक्शन के लिए जो माइक्स पे लगेंगे दो, और एक शू माउंट है। सो फ्रेंड्स ये टोटल दो, मतलब ये सारा सेट है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, और अगर आप वहां से ऑर्डर करते हैं तो एफिलिएट लिंक है, आप भी वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 4 दिनों के अंदर ही जो डीलर है उन्होंने मेरे को भेज दिया है, और मैंने फास्ट डिलीवरी ली थी। फास्ट डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा फर्क नहीं था, 30-40 रुपये का फर्क था अमेजन से। तो आप भी वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, वहां का लिंक मैं दे देता हूं, तो आप भी उसको फॉलो करिए और वहां से आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, इसको ज़रूर अभी मैं इसकी टेस्टिंग करके भी आपको वॉइस क्वालिटी दिखाऊंगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, तो बहुत जल्द वो भी वीडियो लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, दोबारा मिलूंगा नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।